हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन होट 222 प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स एंड लैंडस्केपिंग, लेक्चर थर्ड, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडस्केप गार्डनिंग। जो लैंडस्केप गार्डनिंग है, इसके सिद्धांत। स्टार्ट दिस टॉपिक, लैंडस्केप। एक लैंडस्केप क्या होता है? लैंडस्केप मैं एक सिंपल भाषा में पहले बता दूं, ज़्यादा समझना आसान हो जाएगा आपको। लैंडस्केप होता है जैसे कोई एक भूभाग, जो भी आंखों से दिखाई देती है वो चीज़ लैंडस्केप कहलाती है। अब अपने इसको डिफाइंड कैसे करेंगे, मतलब डेफिनेशन के रूप में कैसे लिखेंगे? तो डेफिनेशन में, ए लैंडस्केप मे बी डिफाइंड एज एनी एरिया आइदर बिग और स्मॉल ऑन विच इट इज़ पॉसिबल और डिज़ायरेबल टू माउंट ए व्यू और ए डिज़ाइन। ठीक है, इसको अगर अपने कहें कि एक परिदृश्य को किसी क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जहाँ तो बड़ा या छोटा, जिस पर दृश्य या डिज़ाइन को ढालना संभव हो या वांछनीय हो, जिस पे मतलब जो आप दृश्य बनाना चाहते हो उसको ढालना है। या अपने एक सिंपल भाषा में कह दें कि ये एक तरीके का कैनवास है जिसमें अपने को कलर भरने हैं। ठीक है, कैनवास होता है जिसमें एक, ये मान लो कि एक कोरा कागज है जिसपे आपको अपने हाथ से उसके ऊपर ड्राइंग करनी है। ठीक है, कलर भरने हैं या ड्राइंग करनी है, वो कैनवास। तो लैंडस्केप एक कैनवास है, ठीक है, जिसके ऊपर आपने को कोई उसके अंदर कोई चीज़ व्यू को माउंट करना है या मोल्ड करना है, यानी कि उसके ऊपर अपने उस व्यू को शो करना है और या फिर उस डिज़ाइन को उसके ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, अब है नेक्स्ट डेफिनेशन, लैंडस्केप गार्डनिंग। लैंडस्केप गार्डनिंग इट में बी डिस्क्राइब्ड एज द एप्लीकेशन ऑफ गार्डन फॉर्म्स, मेथड्स एंड मटेरियल्स विद ए व्यू टू इम्प्रूव द लैंडस्केप। ठीक है, इसे अपने अगर कहें तो जो लैंडस्केप गार्डनिंग है, यह परिदृश्य को बेहतर बनाने की दृष्टि से उद्यान रूपों, जहाँ इसको आप रूप फॉर्म्स को रूप बोल सकते हो, इसको कभी कई बार शैली बोल सकते हो, जो ज़्यादा आसान रहेगा, शैलियों, यानी कि इसके बाद मेथड्स, विधियों और सामग्री के अनुप्रयोग के रूप में वर्णित किया जा सकता है। डिज़ाइन की कला को लैंडस्केप आर्किटेक्चर के रूप में जाना जाता है। या ये कह लो लैंडस्केप गार्डनिंग क्या है, कि जितनी भी विधियाँ हैं, जितने भी उसके रूप हैं लैंड्स गार्डनिंग के, ठीक है, गार्डनिंग मतलब एक बाग के अंदर जो जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको सजा के या उनको एक तरीके से इस तरह से अरेंज कर देना जिससे कि वो सुंदर लगे। ठीक है, यानी कि मैंने कहा था कि एक लैंडस्केप एक कैनवास है, गार्डनिंग उसके ऊपर रंग भरा हुआ जो होता है उस कैनवास के अंदर, जिसमें रंग भर दिया हो अपनी तरीके से, जो मेरी सोच है या मैं जो सोचता हूँ जिस हिसाब से, उस तरीके से उसके ऊपर मैंने ड्राइंग कर दी है, वो चीज़ लैंडस्केप गार्डनिंग है। किस विधि से किया, क्या क्या मैंने ऑब्जेक्ट बनाए, वो चीज़ें सारी लैंडस्केप गार्डनिंग है। ठीक है, एक बार और डिवाइस करता हूँ, इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज द एप्लीकेशन ऑफ गार्डन फॉर्म्स, मेथड एंड मटेरियल विद ए व्यू टू इम्प्रूव द लैंडस्केप। मतलब जो लैंडस्केप है उसके व्यू को इम्प्रूव करने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, जो गार्डन की फॉर्म्स होती हैं, मेथड होती हैं, मटेरियल होता है, ठीक है, मटेरियल जो भी उसमें पेड़ पौधे, कोई आप उसमें कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर रहे हो, कंपोनेंट इंसर्ट कर रहे हो, सन डायल है, बर्ड बाथ है, कोई स्टेच्यू है, कोई फाउंटेन है, कोई सीट बैठने के लिए है, कोई लालटेन्स है, कुछ भी ऐड कर रहे हो, वो सारे मटेरियल हैं, वो चीज़ों का आप सुंदर ढंग से सजा के उसके व्यू को इम्प्रूव कर रहे हो, वो लैंडस्केप गार्डनिंग है। ठीक है, द आर्ट ऑफ डिज़ाइनिंग इज नोन एज लैंडस्केप आर्किटेक्चर। जो डिज़ाइन की कला है उसे लैंडस्केप आर्किटेक्चर कहा जाता है, इस कला को, ठीक है, इस तरह संवारने की जो कला है उसे लैंडस्केप आर्किटेक्चर कहा जाता है। ऑल्दो द ओल्डर टर्म लैंडस्केप गार्डनिंग इज आल्सो पॉपुलर, इसके अलावा जो लैंडस्केप गार्डनिंग है इसके लिए जो पुरानी टर्म लैंडस्केप गार्डनिंग है वो भी काफ़ी पॉपुलर है। इसको लैंडस्केप, आजकल जो है लैंडस्केप आर्किटेक्चर के नाम से जाना जाता है, जो पुरानी इसकी टर्म है लैंडस्केप गार्डनिंग थी। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट कंसिड्रेशंस ऑफ गार्डनिंग। मतलब ये कह लो कि ध्यान रखने योग्य जो बातें होती हैं जब गार्डनिंग कर रहे होते हो, बगीचा बना रहे होते हो, कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली है, ए गार्डन हैज़ टू बी वंस ओवन क्रिएशन एंड नॉट ए इंटीमेशन गिविंग ड्यू टू कंसिड्रेशन टू द लोकल एनवायरमेंट।
एक बगीचा अपना खुद का सृजन होना चाहिए, नकल नहीं। स्थानीय वातावरण को ध्यान में रखते हुए सृजित किया जाना चाहिए, ठीक है। चलो मैं इसको और एक ज़्यादा डिफाइन करता हूँ कि जो गार्डन होता है, कि जैसे मैं मान लूँ कि मैंने कोई पार्क देखा, बहुत सुंदर गार्डन बना हुआ था, पार्क बना हुआ था, मैं चाहता हूँ कि वैसा का वैसा पार्क मैं अपने घर पे बनाऊँ। अब हो सकता है कि जो वो पार्क था मैं उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दूँ उस जगह से, पर हो सकता है कि जो मेरी ज़मीन है, जो मेरे पास जगह है, वो उस शेप में ना हो, या फिर मेरा जो एनवायरनमेंट है, यानी कि मैं जिस एनवायरनमेंट में रह रहा हूँ वो एनवायरनमेंट में वो पौधे उगे ही ना, ठीक है। तो जनरली जो लोकल एनवायरनमेंट है, जो वेजिटेशन है, उसी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। और जो भी ज़्यादातर डिज़ाइन बनाया जाता है वो आदमी की अपनी कह लो कि क्रिएशन होती है, अपने जो मन में जो दिमाग में सोचता है। जैसे मैंने कहा कि एक कैनवास है जिस पे आपको कलर उकेरनी है, वो चीज़ होती है गार्डनिंग। जैसा आपको मन करे वैसा उसको बनाना है आपको, ठीक है, कि भाई ये यहाँ पे ज़्यादा सुंदर लगेंगे, मैं इस जगह पे इसको ज़्यादा ऐसे लगाऊंगा, इस जगह पे मैं ऐसे करूँगा तो ज़्यादा सुंदर लगेगा वो चीज़, ठीक है। वो क्रिएशन अपनी होनी चाहिए, किसी की नकल मारना कोई लैंडस्केप गार्डनिंग नहीं है। ओवर क्राउडिंग ऑफ द प्लांट शुड बी अवॉइडेड। ओवर क्राउडिंग कह लो कि भीड़ भाड़, पौधों की एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में, ये गार्डनिंग, ये भी गार्डनिंग नहीं है कि पौधों से उस पूरे के पूरे गार्डन को भर दो, उसमें चलने लायक भी जगह ना हो, बैठने लायक भी जगह ना हो, वो स्पेस ना लगे उसमें खाली खाली सा, कि बैठने का मन भी ना करे, इतने ज़्यादा पौधे हो जाएं। तो ओवर क्राउडिंग जो होती है गार्डन के अंदर, हमेशा उसको अवॉइड करना चाहिए, इतनी ज़्यादा पौधे ज़्यादा मात्रा में नहीं लगाने चाहिए। टेक एडवांटेज ऑफ नेचुरल टोपोग्राफी वाइल डिज़ाइनिंग गार्डन। जो नेचुरल टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी से मान लो कि जो स्थलाकृति होती है, स्थलाकृति कहीं जगह पे क्या होती है, ढलान होती है, किसी जगह पे पहाड़ के ऊपर अगर आपके पास जगह है तो पहाड़ी क्षेत्र होगा, हो सकता है ऊंट पर खाबड़ हो, जहाँ हो सकता है आप जहाँ पे भी गार्डन डिज़ाइन कर रहे हो कोई टीला हो, तो जो वहाँ पे वो टीला है उसकी अपने को लाभ लेना है, ना कि उसको पहले अपने प्लेन करेंगे, बिल्कुल समतल करेंगे, फिर उसके ऊपर अपने डिज़ाइनिंग अप्लाई करेंगे, जो भी अपना डिज़ाइन है, नहीं ऐसा नहीं है। जो भी जैसी चीज़ है उसको एज सच एक्सेप्ट करते हुए उसके ऊपर अपने को अपना जो लेआउट है उसको प्लान, जो प्लान है उसको उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, मतलब ठीक है, जैसी भी जगह है उसको वैसी की वैसी के ऊपर ही अपने को कोई चीज़ जहाँ उसके ऊपर ड्रॉ कर देनी है, ठीक है, वो उतना ज़्यादा वो नेचुरल लगेगी। इसीलिए इसके अलावा परफेक्ट हारमोनी ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट इज द एसेंस इन लैंडस्केप गार्डनिंग। विभिन्न घटकों का पूर्ण सामंजस्य परिदृश्य बागवानी या लैंडस्केप गार्डनिंग का सार है। मतलब कहने का कि जो भी जितने भी उसके अंदर कंपोनेंट्स हैं, कोई आपने क्यारी बनाई है, बेड बनाई है, फ्लोवर बेड्स बनाई हैं, जहाँ आपने कोई हर्बरी बॉर्डर कोई भी है आपका शर्बरी बॉर्डर है, जहाँ आपने शर्ब्स को एक समूह में लगाया मास इफेक्ट के लिए, कुछ भी आपने गार्डन के अंदर किया है, तो उनके अंदर हारमोनी होनी चाहिए, उनमें तालमेल होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं लगना चाहिए कि एकदम से ये चीज़ चेंज हो गई, ठीक है, तो उनके अंदर बिल्कुल कॉम्बिनेशन बनना चाहिए वो चीज़, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है, बिफोर प्लानिंग ए डिज़ाइन वन मस्ट बी श्योर फॉर व्हाट पर्पस ऑफ द गार्डन इज, ठीक है, यूटिलिटी, ब्यूटी और बोथ। जो सबसे पहले एक चीज़, और प्लानिंग से पहले अपने जब प्लानिंग करते हैं किसी गार्डन की, तो पहले एक श्योर होना चाहिए आदमी को कि मैं गार्डन किस तरीके, किस लिए बना रहा हूँ, कि मेरा जो मेन मकसद है वो उपयोगिता है, कि मैं उस चीज़ को उपयोग करने के हिसाब से बना रहा हूँ, कि मेरा पर्पज़ है कि मैं बैठने के हिसाब से बना रहा हूँ, कि वहाँ पे हमेशा लोग आ के आराम कर सकें, बैठ सकें, ठीक है, जहाँ फिर मेरा मकसद है कि इस गार्डन से मेरी जो घर है उसको मैं सुंदर बना सकूँ, जहाँ मेरा ये गार्डन थोड़ा दिखने में ज़्यादा सुंदर होना चाहिए, बैठने की भले जगह कम हो पर सुंदर दिखना चाहिए, जहाँ फिर दोनों ही मेरे मकसद हैं कि मैं यूटिलिटी भी हो उसके अंदर और ब्यूटी भी उसके अंदर हो, दोनों सेम साथ साथ हों, मतलब मेरा मकसद एक क्लियर होना चाहिए कि मैं डिज़ाइन किस लिए कर रहा हूँ, तो ही मैं गार्डन बनाऊंगा। अब मैंने उसमें बैठने के लिए बनाना है, मेरे पास जगह चाहिए कि मैं इतने बैठ सकूं, आराम कर सकूं, तो और मैं उसमें इतने ज़्यादा पेड़ लगा दूंगा या पौधे लगा दूंगा कि उसमें बैठने की जगह ही ना बचे, जब कम रह जाए, ठीक है। तो पहले ध्यान रखा जाता है गार्डनिंग में अंदर कि आप किस के लिए वो चीज़ बना रहे हो।
फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडस्केप गार्डनिंग, वो तो कंसिडरेशंस थी कि क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए उस टाइम। तो प्रिंसिपल जो मेन सिद्धांत है लैंडस्केप गार्डनिंग के, वो इस प्रकार है। पहला है इनिशियल अप्रोच। इनिशियल अप्रोच, ठीक है, हिंदी में इनिशियल अप्रोच को हिंदी में प्रारंभिक दृष्टिकोण कह सकते हो। जो शुरुआत में क्या करना है आपको, शुरुआत क्या है, एक गुड डिजाइनर शुड डिजाइन द लैंडस्केप इन द अवेलेबल स्पेस। ठीक है, एक जो अच्छा डिजाइनर होता है वो जो गार्डन को उपलब्ध स्थान के अंदर परिदृश्य को डिजाइन करना चाहिए, मतलब उसको एक जितना भी उपलब्ध जगह है, मान लो कि मेरे पास घर के अंदर मुझे एक गार्डन बनाना है, ठीक है, मेरे पास जगह बिल्कुल चकोर नहीं है, किसी जगह पे कोई हो सकता है मेरा घर का ही कोई बाथरूम हो, कुछ जगह हो, मतलब ये मान लो कि कुछ उसके अंदर कवर है, कहीं पे हो सकता है कि मैंने अपने गैराज बना रखे हों, तो जमीन बिल्कुल एक जैसी ना हो, ठीक है। तो उस जगह को मैं कहूँ कि भाई अगर मैं लैंडस्केप गार्डनर डिजाइनर हूँ और मैं चाहूँगी भाई मैं ये तो बिल्कुल प्लेन करके दो, मुझे तो बिल्कुल चकोर जगह होगी, तो ही मैं लैंडस्केप इसके ऊपर अप्लाई करूंगा, नहीं तो मेरे से नहीं होगा ये। ऐसा नहीं है, जैसी भी जगह है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करो, उसके ऊपर लैंडस्केपिंग अप्लाई करो, ठीक है। द नेचुरल टोपोग्राफी शुड बी रिटेन्ड। और जो नेचुरल टोपोग्राफी, मैंने पहले भी बताया था टोपोग्राफी, कि टोपोग्राफी मतलब स्थलाकृति, अगर ढाल है, हो सकता है कोई उसमें पहाड़ी की छोटी सी चोटी आ रही हो सकता है उसके अंदर कोई टीला आ रहा हो, तो उसको उसी के अंदर पड़ा रहने दो, ठीक है। उसके बाद है फेंसिंग शुड बी सच दैट इट लुक नेचुरल एज फार एज प्रैक्टिकेबल एंड इट शुड नॉट एब्स्ट्रैक्ट एनी नेचुरल व्यू। फेंसिंग होती है बाड़, ठीक है, क्योंकि जो भी आप गार्डन बनाते हो पहले उसके अंदर चारों तरफ से जा तो दीवार बनाई जाती है या फिर कांटे वाली तारों से उसके अंदर फेंसिंग की जाती है, या फिर कांटेदार पौधे लगाए जाते हैं बाड़ करने के लिए, ठीक है। जहाँ कभी कभी क्या होते हैं कि हेज को प्रोटेक्टिव, हेज जो होती है बाड़ जिसको अपने कह देते हैं, वो प्रोटेक्टिव लगाई जाती है कि वो बाहर से कोई जानवर, जंगली जानवर या फिर कोई भी चीज उसके अंदर उस पार्क के अंदर ना घुसे, सीधा ना घुसे, गेट से आए आए तो भी, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए फेंसिंग। तो प्रोटेक्ट करने के लिए जो फेंसिंग लगाई जाती है वो नेचुरल या प्राकृतिक लगनी चाहिए और व्यवहारिक होनी चाहिए, ठीक। और जो नेचुरल आपका कोई भी व्यू है, यानी कि आगे वाले मैं बता रहा हूँ कि नेचुरल व्यू जैसे हो सकता है कि बाहर का जो व्यू है उसको एब्स्ट्रैक्ट ना करे, उसको बाधित ना करे, वो दिखाई दे उसके अंदर से, उस फेंसिंग के अंदर से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज ए नेचुरल फॉरेस्ट सीनरी और ए हिलॉक जस्ट आउटसाइड द बाउंड्री, इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द गार्डन डिजाइन इन ए थॉटफुल मैनर सो दैट इट अपीयर टू बी ए पार्ट ऑफ द गार्डन। मान लो एक एग्जाम्पल के तरीके से इसने बताया कि जैसे कोई फॉरेस्ट की सीनरी है, मान लो कि जैसे ही आपका पार्क खत्म हो उसके बाद फॉरेस्ट आ जाता है, जंगल आ जाता है, जहाँ कोई पहाड़ है उसके बाद जस्ट दिखाई देता है, पहाड़ दिखाई देता है आपके गार्डन के अंदर से, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने फेंसिंग लगा दी तो वो पहाड़ भी दिखाई ना दे, जब वो जंगल भी कवर हो जाए जंगल दिखाई ना दे। अगर जंगल एक नेचुरल लुक दिखाई दे रही है तो अपने को फेंसिंग ऐसी लगानी है कि उसमें से वो चीज दिखाई दे, कि वहां गार्डन के अंदर उसकी ब्यूटी भी दिखाई दे, ठीक। नेक्स्ट है एक्सेस। एक्सेस होता है, इसको आप कह सकते हो धुरी, ठीक है। धुरी क्या होती है, दिस इज एन इमेजिनरी लाइन इन एनी गार्डन अराउंड विच द गार्डन इज क्रिएटेड स्ट्रिक्टिंग ए बैलेंस। यह किसी भी बगीचे में एक काल्पनिक रेखा है जिसके चारों ओर एक संतुलन बनाते हुए बगीचे का निर्माण किया जाता है, या ये कह लो कि एक इमेजिनरी लाइन, ठीक है, जहाँ अपने एक और तरीके से कह दें कि फॉर्मल गार्डन के अंदर जो होते हैं, वैसे गार्डन तीन टाइप के, मेनली तीन टाइप के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और वाइल्ड कह लो, जब फ्री कह लो, पहले फ्री कह लो, ठीक है, तीन तो ये होते ही हैं, और दोनों जो तीन प्रकार हो गए, इसके अलावा एक और होता है कभी कभी इसको जोड़ लेते हैं वाइल्ड, जंगल बनाया हुआ था जो जंगल थे, ठीक है। तो तीन गार्डन के टाइम में जिसमें फॉर्मल है, फॉर्मल के अंदर जो सेंट्रल लाइन होती है, सेंट्रल लाइन मतलब गार्डन को एक बीच में से डिवाइड किया जाता है दो भागों के अंदर, ज्यादातर जितने भी मुगल गार्डन है वो फॉर्मल है, क्योंकि उनमें जो मेन पानी बहता हुआ पानी होता है बीच में से एक रिवर निकलता है, कैनाल रहती है,
वो पूरे गार्डन को दो भागों बराबर भागों में डिवाइड करती है, ठीक है। तो वो एक इमेज जो एक्सेस है वो उसका दूरी कह लो, जहाँ उसकी एक इमेजिनरी लाइन सेंट्रल लाइन है जो फॉर्मल गार्डन की, वो एक्सेस है जो कि बैलेंस बनाता है, मतलब उसके एक साइड में और दूसरी साइड दोनों साइड बराबर दिखाई दे, इसलिए बैलेंस बनाने के लिए एक इमेजिनरी लाइन सोचा जाता है कि भाई ये इमेज लाइन है, ठीक है। कभी कभी ये जरूरी नहीं होता कि जैसे मैंने बता दिया फॉर्मल गार्डन के अंदर, उसके अंदर बहता हुआ पानी है वो एक उसको डिवाइड करती है, वो डिवाइड करती है उसका एक फीचर है मुगल गार्डन का। पर अपने को कभी कभी क्या होता है कि अपने तो ये है नहीं कि अपने को मुगल गार्डन कितना करना है, वो तो अपनी क्रिएशन है कि अपने कैसे उस चीज को बना रहे हैं, उस गार्डन को बना रहे हैं। तो अपने इमेज करेंगे कि सोचेंगे कि ये चीज ये ऐसे करके मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, ये ऐसे करके, और दोनों साइड जो है जिससे डिवाइड हो रही है लाइन, दोनों के अंदर अपने को बैलेंस बनाना है, मतलब इधर भी उतने ही पौधे लगने चाहिए और इस साइड भी उतने ही पौधे उतनी उतनी दूरी पे लगने चाहिए, ठीक है। वो चीज होती है एक्सेस। एट द एंड ऑफ द एक्स जनरली देयर विल बी ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो एंड होता है एक्स का, ठीक है, जो इमेजिनरी लाइन है उसका एंड होगा, जहां पे वो खत्म होगी वहां पे हमेशा आकर्षण का केंद्र होगा। ऑल दो अदर एग्रीकल्चर सॉरी आर्किटेक्चरल फीचर्स सच एज बर्ड बाथ, सन डायल कैन ऑल्सो बी इरेक्टेड एट अबाउट द मिड पॉइंट, ठीक है। जहां पे भी वो सेंटर लाइन जो कह लो, जहाँ एक्सेस होता है, जहां पे भी वो खत्म होगा वहां पे एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाया हुआ होगा। हो सकता है वो बर्ड बाथ हो, ठीक है, ये सन डायल भी है, सन पिक्चर देख लो, दो टाइप के, वैसे तो बहुत से टाइप के होते हैं सन डायल, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा ही बनाना जरूरी होता है। सन डायल से मतलब होता है कि जो पुराने टाइम में टाइम देखने के लिए पुराने पार्कों के अंदर सन डायल बने हुए रहते थे, सन डायल से मतलब वो टाइम, जैसे सूरज घूमता जाता था उसके जो एक बीच में एक खड़ी हुई कोई भी वस्तु खड़ी कर देते थे, जो हो सकता था बीच में कई बार पत्थर भी खड़े हुए हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये छोटी सी दिखाई दे रही है, बहुत बड़े बड़े होते हैं सनडायल। तो इससे क्या होता था कि उसमें टाइम पता चलता रहता था कि वो छाया थी जो उस बीच वाली ऑब्जेक्ट की, वो उस घड़ी के जो नंबर थे उनके ऊपर पड़ती जाती थी कि भाई इतना टाइम हो गया, अब इतना टाइम हो गया, तो वो टाइम शो करती थी, ठीक है, उस शेडो के हिसाब से टाइम को देखा जाता था। इसके अलावा कई जो गार्डन है उनके अंदर फूलों से भी, जहाँ पौधों से भी सन डायल बनाया जाता है, उसके अंदर बीच में एक पत्थर लगा रहता है और जो चारों तरफ अलग अलग फूल वाले पौधे लगे रहते हैं, जो उस कलर का जिस टाइम टाइम होता है उस टाइम वो फूल खिलते हैं उसके, ठीक है, उस पौधे के। अपने को पता होना चाहिए कि इस टाइम इस फूल इस वाले वाले जो पौधे हैं ये फूल देते हैं या खिलेंगे इसके, तो उसके हिसाब से प्लांटिंग की जाती है। सनडायल ऐसी भी होती है। इसके अलावा बर्ड बाथ होती है, जहाँ पे पक्षी नहाते हैं, ठीक है, तो हमेशा मोबिलिटी के लिए उसके अंदर पक्षियों की चहचहाट, जहाँ तितलियाँ, जहाँ ऐसी चीजें होनी चाहिए कि वो वहाँ पे अट्रैक्ट होके आए और जिंदा लगे गार्डन। ऐसे नहीं कि गार्डन बना दिया उसमें अपने को बस आदमी आदमी घूमे, नहीं, उसमें जिंदा लगना चाहिए, उसमें जो पक्षी हैं बटरफ्लाइज हैं ये उसके अंदर हों। तो अलग अलग टाइप के सनडायल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें पक्षी नहाते हैं उनको, सॉरी बर्ड बाथ होते हैं जिसमें पक्षी नहाते हैं। ये कुछ नीचे तीन पिक्चर है ही आपको दिखाई दे रही होंगी, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं। इसके अलावा फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट क्या होता है, ए फोकल पॉइंट इज एवरी गार्डन इज ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन विच इज जनरली एन आर्किटेक्चरल फीचर फोक्स्ड एज ए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सच एज स्टेच्यू, फाउंटेन, रोकरी एक्सेट्रा। हर बगीचे का में एक केंद्र बिंदु, आकर्षण का एक कह लो कि केंद्र, आकर्षण का केंद्र है जो आमतौर पर रुचि के बिंदु के रूप में केंद्रित एक वास्तुशिल्प विशेष है, मतलब वास्तुशिल्प विशेष होता है, जैसे एक मूर्ति, एक फवारा, एक रोकरी, स्टेचू तो समझते हो मूर्ति, ठीक है, या फिर कोई फाउंटेन फवारे की तरह, जैसे कई बार आपने गार्डन के बीच में सेंटर में देखा होगा कि पानी बहता हुआ वो चीज हो, या फिर एक रोकरी हो। रोकरी क्या होती है, पत्थरों को इकट्ठा करके बनाया हुआ होता है जिसपे से हो सकता है कि पानी बहता हुआ भी हो। आजकल जो मॉडर्न जमाने के अंदर जो ज्यादातर मैरिज पैलेस हैं इनके अंदर आपको एक कॉर्नर के अंदर ये मिल जाएगा, क्योंकि उनको उनकी जो यूटिलिटी होती है गार्डन की, ठीक है, मतलब वो गार्डन बनाया जाता है तो उसका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो यूटिलिटी होता है,
ना कि उसका ज़्यादा ब्यूटी से कम होता है रिलेशन, क्योंकि उनको चाहिए स्पेस कि वहाँ पे वो पार्टी अरेंज कर सकें। तो प्लांटिंग वो ज़्यादातर साइड में करते हैं, इसलिए रोकरी भी वो ज़्यादातर किसी एक कॉर्नर में बना देते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे फ़ोटो खिंचवा सकें, जहाँ फ़ोटोशूट करवा सकें इसके लिए। ठीक है, वैसे जो साइड में एक बहता हुआ पानी सा पत्थरों के ऊपर दिखाई देता है वो बनाते हैं, ठीक है, नेचुरल सीन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वो रोकरी कहलाती है, पत्थरों से बना हुआ होता है। वैसे तो आजकल सीमेंट से भी बना देते हैं पर पत्थरों से बना हुआ होता है। इसके अलावा स्टेच्यू आप जानते हो, फोकल पॉइंट वो होता है कि मेन अट्रैक्शन का बिंदु, जहाँ पे पूरा का पूरे गार्डन का मेन केंद्र कह लो एक तरीके से, जहाँ पे आपका सारा ध्यान केंद्रित किया जाता है, वो आपका फोकल पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट है मास। वन शुड सी दैट सच मास अरेंजमेंट डू नॉट बिकम मोनोटोनस, द साइज ऑफ मासेस शुड बी वेरिड। मतलब जो ये मास कह लो, जहाँ इनका समूह का असर होता है, जहाँ ये अपने ज़्यादातर जो ऐसे नहीं है कि एक मैं फूलों को लगा रहा हूँ, मान लो कि मैं बेड के अंदर एक ही कलर के फूल लगा रहा हूँ, तो मैंने हमेशा आयताकार आकार की क्यारियाँ बनाई और उनमें फूल लगा दिया, ऐसा नहीं है। ये क्या होता है कि मोनोटोनस हो जाता है, एक जैसा सा हो जाता है, इसलिए जो भी क्यारियाँ होती हैं वो अलग अलग शेप के अंदर होनी चाहिए। कहीं पे वो स्क्वायर शेप में है, कहीं स्टार बन रहा है, कोई हो सकता है रेक्टेंगुलर हो, कोई ज़्यादा ही लंबी लेंथ में हो, तो मतलब अलग अलग शेप के अंदर होनी चाहिए, वो बिल्कुल एक जैसे आकार की नहीं होनी चाहिए, जिससे मास इफेक्ट में थोड़ी वैरायटी आ सके। ठीक है, इसके अलावा यूनिटी, यूनिटी होती है एकता। एकता फर्स्ट द यूनिटी ऑफ स्टाइल फीलिंग एंड फंक्शन बिटवीन द बिल्डिंग एंड द गार्डन हैज़ टू बी अचीव। सबसे पहले जो यूनिटी होती है वो स्टाइल कह लो या शैली के अंदर, फीलिंग जो भावना है, और जो फंक्शन जो कार्य है बिल्डिंग के और गार्डन के, इनके अंदर प्राप्त की जाती है। ठीक है, यानी कि जो पहली अपने सबसे पहले यूनिटी का मतलब होता है कि अपने जो बिल्डिंग है और वो जो गार्डन है वो बिल्कुल एक ही लगने चाहिए, ना कि वो चीज़ अलग अलग लगे। ठीक है, एक ही हिस्सा लगना चाहिए, ऐसे नहीं कि गार्डन अलग से शो हो रहा है आपका और बिल्डिंग आपकी जो अलग से शो हो रही है, उसमें जो उनके शैली है उसके ऊपर भी थोड़ी इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए जो भी आपका बिल्डिंग है, और उसमें भावना आनी चाहिए कि ये भी एक गार्डन का हिस्सा है, उसमें जो फंक्शन है वो भी उस बिल्डिंग के भी ऐसे लगने चाहिए कि ये एक पार्क है, ठीक है, गार्डन है, बगीचा है, जैसे आप उसके लिए जो उसकी पोर्च होता है वहाँ पे गमले में पौधे लगा के रख सकते हो कि भाई अंदर तक थोड़ी हरियाली दिखाई देती रहे, या फिर आप उसके ऊपर जो उसके पोर्च है, पोर्च के बाहर की साइड आप कोई क्लाइंबर चढ़ा सकते हो, ट्रेन कर सकते हो। ठीक है, या फिर उसकी बिल्डिंग के जो ग्राउंड सॉरी जो उसकी नीम रहती है उसके पास में कुछ पौधे प्लांट कर सकते हो। ठीक, इसके अलावा सेकेंडरी द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द गार्डन शुड मर्ज हार्मोनियसली विद ईच अदर, द एम टू बी क्रिएट एंड ओवरऑल इम्प्रेशन ऑफ द गार्डन रादर देन ब्लोइंग अप सम स्पेशल फीचर्स। सेकेंडरी क्या होता है, जितने भी गार्डन के कंपोनेंट्स हैं, जो भी गार्डन के अंदर आपने चीज लगाई है, पौधा है, भले ही वो कोई निर्जीव है, भले ही वो संजीव है, मतलब निर्जीव से मतलब कोई उसमें कंपोनेंट आपने ऐसा लगाया है जैसे कोई सीड्स हैं, कोई लार्टेन है, या कोई सन डायल है, कोई जो कि निर्जीव है, ठीक है, या इसके अलावा पौधे हैं जो संजीव हैं, तो उनके अंदर एक तालमेल होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई पौधे जो गार्डन का एक भाग बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत स्पेशल फीचर्स है, उसके ऊपर ज़्यादा आप ध्यान दे रहे हो और पूरे गार्डन को आप उसकी जो ग्रेस है या उसका इम्प्रेशन है उसको आप भूल जाएं। इसकी बजाय क्या कहते हैं, इम्प्रेशन पूरे गार्डन के इम्प्रेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, एक स्पेशल फीचर को ज़्यादा उभारने की तुलना में। ठीक, एक फीचर ना उभार के पूरे गार्डन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि वो बिल्कुल संतुलित लगे, वो चीज़ जो दिखाना चाहते हो आप वो भी दिखाई दे, पर ऐसी दिखाई दे कि वो उसके उसका ही अंग हो, उस गार्डन का ही भाग हो। ठीक है, इसके अलावा लास्टली इट इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंट टू अचीव हारमोनी बिटवीन द लैंडस्केप आउटसाइड एंड द गार्डन। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट होता है कि जो अंत में जो बगीचे के बाहर और बगीचे के बीच के भूदृश्य में सामंजस्य प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। ठीक, स्थानीय स्थितियों की पूर्ण अवेलना में लगाया गया एक बगीचा विदेशी लग सकता है, बगीचा विदेशी लग सकता है लेकिन एक सफल उद्यान नहीं। ठीक, या ये कह लो कि
मान लो कि जैसे मैंने पहले भी एक जगह पे आई थी लाइन, कि जो आपका बाग है, जो आपका लैंडस्केप है, उसके जो बाहर फेंसिंग करते हैं, जब वो बाहर वाला उसका भूदृश्य दिखाई देना चाहिए, आई थी ऐसी, ठीक है। तो वो चीज़ है कि आपका जो आउटर एरिया है, आउटर एरिया मतलब मान लो कि आपका जो क्षेत्र है वो ड्राई एरिया है, ठीक है। तो आप ऐसे पौधे सेलेक्ट करोगे जो वहाँ के परिवेश के हैं, तो आप ज्यादा आप उस गार्डन को अच्छा बना पाओगे, ज्यादा आपका गार्डन जिंदा लगेगा, ठीक है। जैसे सामंजस्य विसर्जन, मतलब मान लो कि आपके जैसे ही गार्डन से बाहर जाते हो, वहाँ पे बहुत ही ज्यादा ऐसे पेड़ लगे हुए हैं जो थोड़े रेतीले एरिया के हैं, जो ठीक है, तो आप उनको अंदर भी थोड़ा बहुत मात्रा में यूज करो कि जिससे कि वो गार्डन ज्यादा अच्छा लग सके। कभी कभी क्या होता है कि एक गार्डन अगर लोकल कंडीशन को अपने भूल के अगर एक गार्डन को तैयार कर देते हैं, वो गार्डन विदेशी तो लग सकता है, विदेशी से मतलब ऐसा तो लगेगा कि वो एक्सोटिक है, बाहर से आपने पौधे लेके आए हैं, पर वो गार्डन सक्सेसफुल गार्डन नहीं है, ठीक। भाई वो गार्डनिंग अच्छी नहीं है कि भाई आपने बहुत से बाहर से पौधे ला ला के आपने लगा लिया कि आपका गार्डन बहुत सुंदर लग रहा है, पर बाहर से उसका व्यू अगर बाहर जाते हैं तो बहुत ही अलग होता है, और अंदर आते हैं गार्डन के तो उसका व्यू बहुत ही चेंज हो जाता है, बहुत ही ऐसे नहीं लगता कि नेचुरल है, ठीक। नेक्स्ट है, इट इज एन कॉमन प्रैक्टिस टू ट्रेन क्रीपर ऑन द फ्रंट ऑफ पोस्ट विच कवर द रूडनेस ऑफ द मेसनरी वर्क एंड ऑल्सो ब्रिंग द बिल्डिंग क्लोजर टू नेचर। जो आपका मैंने कहा था अभी भी कि पहले भी कि जो क्रीपर्स होते हैं, वेल वाले पौधे होते हैं, ठीक है, क्लाइंबर्स कह लो, क्रीपर्स क्लाइंबर, ठीक है, जो फूल वाली लताएं होती हैं उनको पोर्च के ऊपर चढ़ाओ, ठीक है, जो फ्रंट पोर्च है उसके ऊपर चढ़ाओ। इसको अपने को यूनिटी को पैदा करने के लिए क्या करेंगे, पोर्च के ऊपर चढ़ाएंगे जिससे कि वो भी उसी का अंग लगे, ठीक है। इसके अलावा जो मिशनरी आपका वर्क है, मिशनरी वर्क मतलब जो कोई गंदा वर्क है, कोई कहीं पे हो सकता है कि किसी चीज़ को आपको छुपाने की जरूरत है, दीवार पे आपका ढंग से कलर उतर रहा है, तो उसको ढकने के लिए भी आप ऐसा कर सकते हो, वो ढक भी देगी, रूडीनेस को ढक भी देगी, ठीक है। ऑल्सो बिल्डिंग क्लोजर टू नेचर, और इससे बिल्डिंग आपकी ज़्यादा क्लोज लगेगी नेचर के, प्रकृति के ज़्यादा क्लोज दिखाई देगी, ठीक है। ए फाउंडेशन, इसके लिए ए फाउंडेशन प्लांटिंग ब्रॉडली मीन्स टू प्लांटिंग ऑफ बुशी प्लांट्स नियर द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग। इसके अलावा आप फाउंडेशन प्लांटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। फाउंडेशन प्लांटिंग क्या होता है कि जो बिल्डिंग है उसके नज़दीक में छोटे छोटे पौधों को लगा देना, उसकी नीम के साथ में छोटे छोटे पौधों को लगा देना, बुशी पौधों को, झाड़ियों को लगा देना, वो फाउंडेशन प्लांटिंग कहलाती है, ठीक है। स्पेस, द एम ऑफ एवरी गार्डन डिजाइन शुड बी सच दैट द गार्डन शुड अपियर लार्जर देन द इट्स एक्चुअल साइज। जो एक गार्डन है, स्पेस से मतलब होता है जगह कह लो, स्थान कह लो, ठीक है। तो मेन एम किसी भी गार्डन का होता है कि जितना वो साइज है उससे वो ज्यादा चीज बड़ी दिखाई दे, ठीक। तो इसके लिए बहुत सी चीजें फॉलो की जाती हैं, जैसे जो ज्यादातर बड़े पेड़ होते हैं उनको बिल्डिंग के पास में नहीं लगाया जाता, ज्यादातर छोटे पेड़ बिल्डिंग के पास में लगाए जाते हैं, और जो बड़े पेड़ होते हैं उनको हमेशा बाउंड्री लाइन के पास में लगाया जाता है कि बीच में जगह ज्यादा दिखाई दे सके, ठीक, जिससे कि वो एक्चुअल जितना साइज है उससे ज्यादा बड़ा दिखाई दे। ऑन वे ऑफ अचीविंग दिस इज टू कीप वास्ट ओपन स्पेस प्रेफरेबली अंडर लॉन एंड रिस्ट्रिक्ट द प्लांटिंग इन द पेरिफेरल पेरिफेरी, नॉर्मली अवॉइडिंग एनी प्लांटिंग इन द सेंटर। इसको अपने अचीव करने के लिए, मतलब बहुत ज्यादा अपने को जगह चाहिए, इसके लिए अपने क्या कर सकते हैं कि जो लॉन है उसके अंदर प्लांटिंग, ठीक है, बड़े बड़े, पहले तो बात है कि बड़े बड़े लॉन लगाओ, उसके अंदर प्लांटिंग जो है उसको अवॉइड करो, प्लांटिंग ना करो, और जो पेरिफेरल प्लांटिंग होती है मतलब लॉन के चारों तरफ आप प्लांटिंग कर सकते हो, लॉन के अंदर प्लांटिंग ना करो, सेंटर के अंदर प्लांटिंग ना करो। बट इफ एनी प्लांटिंग हैज टू बी डन इन द सेंटर दैट चॉइस शुड बी ए ट्री विथ विच ब्रांचेज एट ए हायर लेवल ऑन द ट्रंक और द लोअर ब्रांचेज आर रिमूव्ड एंड नॉट ए बुशी शर्ब।
ठीक है। अगर अपने को प्लांटिंग करना है कि भाई अपना चाहते हैं कि उसके अंदर प्लांटिंग करें उस लॉन के अंदर, तो ऐसे पौधे की करो जिसकी शाखाएं बहुत, जिसके तने पे जो शाखाएं आती हैं बहुत ऊंचाई के बाद आती हैं, जहां उसकी नीचे वाली शाखाओं को अपने काट दे, सिंगल स्टेम रह जाए, ठीक है। या फिर ये कह सकते हो कि ये उसके अंदर शर्ब ना लगाओ, पेड़ लगाओ। शर्ब नहीं होनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा झाड़ीदार शर्ब जो होती हैं, झाड़ियां होती हैं, ऐसे पौधों को वहां पे प्लांट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा जगह कवर करेगी। ठीक, नीचे से ऐसा पौधा लगा सकते हो, पेड़ लगा सकते हो जो सीधा एक तना बढ़े और ऊपर जाके वो फैले, जना कि नीचे नीचे जमीन के पास ही जो होती हैं शाखाएं उनको काट देते हैं। अनदर सुजेशन टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ मोर स्पेस इन ए लार्ज पब्लिक गार्डन टू इज टू अल्टरनेट लार्ज लॉन फॉलोड बाय ग्रुप ऑफ ट्रीज। ए लार्ज ओपन स्पेस प्लांटेड हैपेजार्डली ऑल ओवर विद लुक ट्री लुक स्मॉलर देन इट्स साइज। अनदर सजेशन क्या है कि अगर अपने ऐसा चाहते हैं, ऐसा प्रभाव पड़े तो एक पब्लिक गार्डन के अंदर, तो क्या कर सकते हैं कि एक पेड़ों के बड़े पत्ती के बाद एक बड़ा लॉन, फिर उसके बाद पेड़ आ गए, फिर उसके बाद एक बड़ा लॉन, ठीक है, एक बड़ा पार्क उसके अंदर, ये कह लो कि एक बड़े घास लगा हुआ लॉन, फिर उसके बाद फिर लॉन, ऐसा हो कि एक के बाद एक आए। ऐसे नहीं कि आप एक बहुत बड़ा लॉन लगा दिया और उसी के आप डिवाइड करते जा रहे हो, अंदर प्लांटिंग करते जा रहे हो, वैसे नहीं। अगर आप बहुत ज्यादा चाहते हो कि जगह ज्यादा हो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने ये करें कि स्पेस दिखाने के लिए, अगर आपने ये कहें कि पूरे के बहुत बड़ी जगह है आपके पास और उसके ऊपर पेड़ ही पेड़ लगे हुए हों, बहुत ही नज़दीक नज़दीक बड़े बड़े पेड़ लगा दिए, वृक्ष लगा दिए, तो भी आपकी जगह कम दिखाई देगी, उसका स्मॉलर हो जाएगा, लुक स्मॉलर इट्स साइज, सो छोटे साइज में दिखाई देगा। द टेक्निक्स ऑफ क्रिएटिंग एन इल्यूजन ऑफ मोर स्पेस आर ऑल्सो प्रेफर्ड टू एज फोर्स्ड प्रोस्पेक्टिव। मतलब इसको फोर्स पर्सपेक्टिव ही कह सकते हो इस टेक्निक को, कि इल्यूजन जो क्रिएट करते हैं, प्रभाव क्रिएट करते हैं ज्यादा स्पेस का, ठीक है, ज्यादा दिखाई दे। मतलब इल्यूजन क्या होता है कि एक तरीके से ऐसा प्रभाव दिखाई देना, ना कि जो एक्चुअल में नहीं है पर वो एक्चुअल में दिखाई दे, इतना ज्यादा है, खुला खुला दिखाई दे, ठीक, भले वो छोटी जगह ही हो, तो इसको इल्यूजन ऐसा प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो फोर्स प्रोस्पेक्टिव कहते हैं इस चीज को, इस टर्म इसके लिए यूज होती है। नेक्स्ट है डिविजनल लाइन, जिसको आप कह सकते हो विभाज्य लाइनें। इन ए लैंडस्केप गार्डन देयर शुड नॉट बी एनी हार्ड एंड फास्ट डिविजनल लाइन। किसी भी लैंडस्केप के अंदर, या कह लो कि लैंडस्केप गार्डन के अंदर, बगीचे के अंदर कोई भी बहुत ही कठोर और ये कह लो कि फास्ट कोई तेज विभाजन रेखा नहीं होती। हाउएवर देयर इज द नेसेसिटी ऑफ डिवाइडिंग और रादर स्क्रीनिंग ए कंपोस्ट पिट और ए मालीज क्वार्टर और ए वेजिटेबल गार्डन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द गार्डन, ठीक है। इसके अलावा ये जरूर आपका हो सकता है कि आप उस भाग को स्क्रीनिंग कर दो, जहाँ उस भाग को कवर कर दो जो आपका कोई कंपोस्ट पिट है, खाद वाला गड्ढा है, जहाँ माली का कोई उसके लिए घर बनाया हुआ है, जो उसका जगह बनाई हुई है, क्वार्टर बनाया हुआ है, जहाँ कोई एक वेजिटेबल वाला आपका बगीचा है, यानी कि वेजिटेबल गार्डन, आपने सब्जियां उगा रहे हो एक साइड, तो उसको कवर करने के लिए आप स्क्रीनिंग कर सकते हो, ठीक है, दूसरे मेन गार्डन से डिवाइड करने के लिए एक हेज लगा सकते हो स्क्रीनिंग पर्पज से, कि वो जिस जगह आपकी दिखाई ना दे, जो कि आपके गार्डन की ब्यूटी को कम ना करे हो, जिससे कि आपकी गार्डन की ब्यूटी कम ना हो, ठीक है। स्क्रीनिंग कर देना, उस जगह को कवर कर देना पौधों से, बड़े बड़े पौधों से, उसके सामने बड़े बड़े पौधे लगा देना, पीछे वाली जगह ढक जाए, ऐसा कर सकते हो। इन फैक्ट एरियाज अंडर लॉन, ग्रेवल्स, स्टोन्स और सीमेंट पथ्स आर शर्बरी बॉर्डर हैव देयर नेचुरल डिविजन लाइन्स फ्रॉम एंड फ्रॉम इट्स इमीडिएट नेवर्स थ्रो दिस नॉट डिस्क्रीट। वास्तव में जो लॉन, बजरी, पत्थर या सीमेंट के रास्ते और झाड़ीदार सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में इसके निकटवर्ती पड़ोसी की प्राकृतिक विभाजन रेखाएं हैं। हालांकि ये विवेकहीन नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर अपने उस चीज को कर रहे हैं तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए अपने को, विवेकहीन नहीं है, वो अच्छी चीज है। जैसे मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि एक लॉन है, एक लॉन के अंदर आपने दो भाग हैं लॉन के, तो एक इस साइड वाले और इस साइड वाले लॉन को बीच में आपने एक रोड बना के डिवाइड कर दिया,
एक रास्ता बना के, पत्थरों का एक रास्ता बना के, सीमेंट का एक बना के, जहाँ वो तो अलग अलग तरीके के होते हैं, गार्डन के अंदर कैसे भी बनाए जा सकते हैं, पेबल्स से बनाए जा सकते हैं, ठीक है, इंटरलॉकिंग टाइल्स यूज कर लेते हैं, कैसे भी बना सकते हो, उसके अंदर सीमेंट की रोड बना सकते हो, तो वो चीज़ आपकी विवेकहीन नहीं है, मतलब उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो चीज़ गलत है आपने की है। तो हो सकता है कि आप शर्वरी बॉर्डर लगा रहे हो किसी चीज़ को डिवाइड करने के लिए, दो भागों को, एक गार्डन से दूसरे गार्डन को, मतलब एक पार्क लॉन है दूसरे लॉन को डिवाइड करने के लिए बीच में आपने एक शर्बरी बॉर्डर लगा दिया, ठीक है, एक झाड़ियों का, एक काट के झाड़ियाँ, जहाँ कह लो कि एक तरीके की हेज लगा दी मैंने, जिसको आप शर्बरी बॉर्डर कह सकते हो, जहाँ ये कह लो कि उस एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, जैसे मैंने कोई स्टेच्यू लगाया, ठीक है, स्टेच्यू के चारों तरफ मैंने एक बॉर्डर दे दिया, जिसको आप एज कह सकते हो, हेज नहीं, एज, EDGE, एज, किनारी, ठीक है, छोटे छोटे पौधों की, वो डिविजनल लाइन है, उस जो स्टेच्यू को अलग कर रही है मेन गार्डन से, ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं अभी फोटो में दिखाऊंगा आपको। इसके अलावा डिविजन लाइन शुड बी आर्टिस्टिक विद जेंटल कर्व्स एंड दीज शुड आल्सो बी यूजफुल, जो विभाजन की रेखाएं होती हैं कोमल घुमावों के साथ कलात्मक होनी चाहिए, ठीक है, और ये उपयोगी भी होनी चाहिए, मतलब मैंने उसको अलग कर दिया तो उसका कोई उपयोग भी आना चाहिए, जैसे मैंने कोई रोड बना दी तो वो उपयोग में भी आ रही है, ठीक है, उसको डिवाइड भी कर रही है और वो उसको यूज भी हो रहा है उसका, ठीक है। इसके अलावा अबव ऑल दीज लाइन शुड हार्मोनाइज विद वन अनदर, और ये लाइनें एक दूसरे के साथ तालमेल होना चाहिए, मतलब इन डिविजनल लाइंस जो भी बनाई हैं आपने, इनका एक दूसरे के साथ सामंजस्य होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये पिक्चर देखो, इसमें कुछ आपको एक तो पेबल्स वाला रास्ता दिखाई दे रहा होगा, पत्थर रखे हुए हैं बीच बीच में, ये रास्ता बनाया है, और एक तरीके की ये डिविजनल लाइन भी है, दूसरे में आपको एक किनारा दिखाई दे रहा होगा पत्थरों का, ठीक है, जिसको एज कहते हैं, एक तरीके से ये भी डिवाइड करती है जहाँ पे आपने प्लांटिंग की है पेड़ों की, और एक लॉन को आपको अलग कर रही है। दूसरे में भी आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, बीच में से रास्ते निकाले जा रहे हैं जो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से अलग कर रहे हैं, ठीक है, ये डिविजनल लाइन कहलाती हैं। नेक्स्ट है प्रोपोर्शन एंड स्केल, ये कह लो प्रोपोर्शन ऑफ स्केल को अनुपात और पैमाने, ठीक है, कि कितने अनुपात में क्या चीज होगी, वो चीज प्रोपोर्शन इन ए गार्डन में बी डिफाइंड एज द डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट, मतलब अपने ये कह सकते हैं एक बगीचे में अनुपात को भिन्न तत्वों के बीच एक निश्चित संबंध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो मतलब उनका क्या रिलेशनशिप है दूसरे एलिमेंट के साथ, वो चीज़, ठीक है, उसे अपने प्रोपोर्शन के अंदर प्रोपोर्शन कह सकते हैं, अनुपात कह सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर एग्जांपल, इन रेक्टेंगल हैविंग ए रेशियो ऑफ 5:8 इज कंसिडर्ड टू बी ऑफ प्लेजिंग प्रोपोर्शन, ठीक है, मतलब प्रोपोर्शन से मतलब है कि एक अनुपात है 5 और 8 का, मतलब एक आयत के आकार का आपने कोई क्यारी बना दी, ठीक है, जिसकी लंबाई मैंने 8 रखी और 5 उसकी चौड़ाई रखी, ये बहुत ही दिखने में सुंदर लगेगी। जब ये रेशियो नीचे आता है, एज दिस रेशियो कम डाउन फ्रॉम लुक्स नाइदर ए स्क्वायर नॉर ए रेक्टेंगुलर, ना तो वो स्क्वायर दिखाई देगा और ना ही वो रेक्टेंगुलर दिखाई देगा, तो ये चीज अनडिजायरेबल होती है, अवांछनीय होती है, मतलब हमेशा जो चीज बनाओ एक्चुअल में वो चीज दिखनी चाहिए। अगर आप एक रेक्टेंगुलर का निर्माण कर रहे हो तो ज्यादातर रेक्टेंगुलर में बनाओ, उसके लिए सही अनुपात 5:8 का होना चाहिए, लगभग लगभग 5:8 का होना चाहिए। जैसे ही ये अनुपात नीचे आता है, भले आप उसकी चौड़ाई कम कर रहे हो, भले ही आप उसकी जो लंबाई है उसको कम कर रहे हो, तो ये चीज ज्यादा अच्छी दिखाई नहीं देगी, ठीक है, ना तो वो स्क्वायर बन पाएगा और ना ही वो रेक्टेंगल बन पाएगा, तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। देयर इज नो सेट रूल विद रिस्पेक्ट टू स्केल एंड प्रोपोर्शन इन ए गार्डन, कोई वैसे ऐसे नहीं कह सकते कि कोई अनुपात के निर्धारित नियम नहीं है इनके, ठीक है। तो गार्डन अल्टीमेटली द डिजाइन शुड लुक प्लेजेंट, पर आपका जो गार्डन है वो ये है कि उस पहले से वो जो डिजाइन है वो अच्छा दिखाई दे, ठीक है। इट इज बेटर टू हैव एन एड हॉक डिजाइन फर्स्ट एंड ट्राई देन ट्राई इट आउट ऑन द एक्चुअल स्पॉट, पहले तो उस डिजाइन को आप
देखो कि कैसा है, बना है, बन कैसे रहा है, एक डिजाइन कागज पे बना के देख रहे हो, तो उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करो मेन स्पॉट के ऊपर, मेन जगह पे आपको जहां पे लगाना है, बनाना है वो चीज, उसके बाद में उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करो कि ये कैसा बन गया, ठीक है। पहले उसको चेक करो बना के, फिर उसके बाद उसको लागू करना चाहिए। उसके बाद है, इफ द डिजाइन लुक अपीलिंग एज वेल एज प्लीजिंग इट इज इम्प्लीमेंटेड। अगर वो डिजाइन अच्छा लग रहा है तो ही उसको इम्प्लीमेंट करो, मतलब अच्छा लगा दिख रहा है तो उसको इम्प्लीमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। जजमेंट ऑफ स्केल एंड प्रोपोर्शन फुली डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड द थॉट नॉलेज ऑफ प्लांट्स। जो इसका पैमाने और अनुपात का जो पूर्ण निर्णय पूरी तरह से व्यक्तिगत अनुभव और पौधों के गहन ज्ञान पर निर्भर करता है। मतलब पौधों के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपको कि कैसे वो फैलाव लेगा, किस टाइप की कनोपी है वो, और जो आपका पुराना एक्सपीरियंस है, कितने आपने गार्डन बनाए हैं, कैसे वो गार्डन बनेगा, वो चीज़ आपका एक्सपीरियंस हो तो उस पे निर्णय पे व्यक्तिगत अनुभव पे डिपेंड करता है ये। नेक्स्ट है टेक्सचर। द सरफेस करेक्टर ऑफ ए गार्डन यूनिट इज रेफर्ड टू एज टेक्सचर। सरफेस करेक्टर कह लो या इसको आप बनावट कह सकते हो, सरफेस करेक्टर को, कि टेक्सचर जो भी वस्तु है, जैसे एक बगीचे इकाई की सतह के स्वरूप की बनावट को बनावट कहा जाता है, जो स्वरूप होता है उसका, ठीक है। जो टेक्सचर होता है वो फाइन टेक्सचर होता है, मीडियम होता है और कोर्स टेक्सचर होता है। इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, रफ और स्मूथ, दो तरीकों से इसको डिफाइन किया जा सकता है। तो टेक्सचर क्या होता है, द टेक्सचर ऑफ द ग्राउंड द लीव्स ऑफ द ट्री एंड श्रब विल बी डिटरमाइंड द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द गार्डन। जो टेक्सचर होता है जमीन का, पत्तियों का, पेड़ों की पत्तियां, और जो शर्ब्स जो झाड़ियां होती हैं उनका, इन सब सारे के सारे मिला के इफेक्ट को प्रभावित, जो इफेक्ट होता है उसको वो प्रभाव को निर्धारित करेंगे, ठीक है। आमतौर पर जो जनरली द टेक्सचर इज ऑफ थ्री टाइप्स, विज फाइन, मीडियम और कोर्स, मतलब ये कह लो कि बारीक या पतला, और मीडियम मध्यम, और कोर्स मोटा। द टेक्सचर ऑफ प्लांट डिपेंड ऑन लीफ साइज, अरेंजमेंट ऑफ ब्रांचेस एंड कॉम्पैक्ट नेक्स ऑफ कनोपी। अब मैं एक पौधों के ऊपर इस टेक्सचर को, अगर अपने प्लांट के जो होते हैं उसके ऊपर अगर कहें कि भाई उसमें क्या होता है टेक्सचर से मतलब, तो जो पत्तियों का साइज होता है, जितनी बारीक पत्तियां होंगी उतना फाइन टेक्सचर, और जितनी मोटी मोटे पत्ते होंगे, बड़े बड़े पत्ते होंगे, जिसके जितने ज़्यादा चौड़े होंगे वो कोर्स टेक्सचर, अगर मध्यम से आकार के हैं तो फाइन टेक्सचर। ब्रांच का अरेंजमेंट है, अगर जितनी ज़्यादा कॉम्पैक्टनेस, जहाँ जाए कह लो कि जितनी ज़्यादा संघन ब्रांचें होंगी वो फाइन टेक्सचर में आएंगे, जितनी दूर दूर होंगी वो कोर्स टेक्सचर में आएंगी। कॉम्पैक्टनेस कनोपी की भी सेम यही रहती है, जितनी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगी, कनोपी कनोपी से मतलब होता है पौधा, अगर आपने ऊपर से उसको चीज़ को, पौधे को दिखाई देखे ऊपर जाके बड़े पेड़ को, तो वो कितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, ठीक है, उसकी शाखाएं कितनी ज़्यादा गुथी हुई हैं एक दूसरे के साथ, ऐसे नहीं कि एक शाखा इधर दिखाई दे रही है, एक इतनी दूर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अलग से अलग अलग कनोपियां सी नहीं बनानी, एक ही कनोपी उसको देखना ऊपर से, कि वो जितनी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगी उतना फाइन, जितनी ज़्यादा दूर दूर पौधे की शाखाएं होंगी ऊपर से दिखाई देगा वो, उतनी ज़्यादा वो कोर्स कहलाएगा। मोर एवर द टेक्सचर कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज रफ एंड स्मूथ बेस्ड ऑन द अपीयरेंस। इसके अलावा जो आपका टेक्सचर होता है उसको बनावट को दो और भागों में डिवाइड किया जा सकता है, एक तो रफ के अंदर डिवाइड किया जा सकता है और दूसरा स्मूथ, जो उसकी दिखाई देने के जैसा वो दिखाई देता है उसके आधार पर उसको दो भागों में डिवाइड और दो भागों में क्लासिफाइड किया जा सकता है। रफ से मतलब है थोड़ा उबड़ा खाबड़, और स्मूथ से मतलब बिल्कुल प्लेन दिखाई देना। एक गुलमोहर इज फाइन टेक्सचर ट्री व्हेन इन फुल लीव्स, जब पूरी तरह से पौधे के ऊपर पत्तियां होती हैं तो गुलमोहर, डिलोनेक्स रेजिया जिसको नेचुरल बोलते हैं, ऑरेंज से कलर के फ्लावर आते हैं, ठीक है, डिलोनेक्स रेजिया गुलमोहर के अंदर को हमेशा इसको फाइन टेक्सचर के अंदर होती है, इसकी पत्तियां थोड़ी ज्यादा ही बारीक कलर होती हैं। इसके अलावा वेयर स्पैथोडिया कंपोनुलाटा इसे कोर्स टेक्सचर ट्री, और जो सपोथोडिया कंपोनुलाटा है ये कोर्स टेक्सचर होता है। चलो दोनों ट्री की पिक्चर भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो पहले जो पिक्चर नीचे वाले दो दिखाई दे रही है, दो पेड़ों की, जो पहले वाला है वो स्पोथोनिया है, और नीचे जो सेकंड वाला है डिलोनिक्स रेजिया है। इनके पत्ते देखना
कभी भी आप वैसे सर्च मारना नेट पे तो आपको दिखाई देंगे इनकी पत्तियों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहेगा। उसकी पत्तियाँ थोड़ी ज़्यादा मोटी हैं और इसकी कम, और इसमें गार्डन के अंदर जो टेक्सचर उसकी भी कुछ पिक्चर्स दिखाई दी हैं कि भाई जिसमें देखो फाइन जहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर ऊपर, वो फाइन टेक्सचर वाले पौधे हैं की पत्तियाँ, मतलब वहाँ पे बारीक पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं। और आगे जो फ्रंट फ्रंट में बड़े बड़े पत्ते दिखाई दे रहे हैं पौधे के नीचे लगे हुए, वो कोर्स टेक्सचर में। फिर मीडियम वाले छोटी जो मध्यम से आकार की है, मध्यम वाली वो पत्तियाँ हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ जेफ्रेंथस और ऐसे कुछ स्पीसीज हैं जिनके अंदर फाइन टेक्सचर की पत्तियां आती हैं, ठीक है। इनकी पत्तियां देख के आप आराम से समझ सकते हो कि फाइन कौन से पौधे की होती हैं, कोर्स कौन से की होती हैं। और टोन एंड कलर, इन्हें लैंडस्केप गार्डन परमानेंट बैकग्राउंड इज द ग्रीन टोन ऑफ वेरियस ट्री एंड शर्ब्स। एक लैंडस्केप गार्डन के अंदर, एक बगीचे के अंदर जो परमानेंट उसका बैकग्राउंड होता है हमेशा वो ग्रीन दिखाई देता है, क्योंकि उसमें बहुत से पौधे लगे हुए होते हैं, जहाँ आपका जो लॉन है वो भी ग्रीन कलर का है, ठीक है, सब पौधों के पत्ते ग्रीन हैं, वो चीज़। पर उसके अंदर जो कुछ कलर भी दिखाई देते हैं कभी कभी, ठीक है, बैकग्राउंड नहीं, बैकग्राउंड हमेशा ग्रीन ही दिखाई देगा। इट इज़ पॉसिबल टू लेट आउट ए गार्डन विद स्टेबल टोन ऑफ एंटायरली व्हाइट और येलो फ्लावर। ये अपने कर सकते हैं कि भाई उसमें पूरे के पूरे येलो कलर के फ्लावर हों और व्हाइट फ्लावर हों, ये हो सकता है, पर उसकी जो मेन टोन रंगत रहेगी वो ग्रीन कलर की रहेगी। बट हैज़ द सेम टाइम मेकिंग इट चार्मिंग आल्सो, ये दिखने में ज़्यादा सुंदर भी दिखाई देता है, मतलब ग्रीन कलर के ऊपर येलो या व्हाइट कलर के फ्लावर होना। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट इट इज़ बेटर टू हैव मासेस ऑफ ए सिंगल कलर अगेंस्ट ए मिक्सचर ऑफ कलर। मास मतलब एक ग्रुप के अंदर समूह समूहिक होना चाहिए, मतलब एक ऐसा नहीं कि बहुत से कलर के फूलों को आप एक जगह पे फेंक दो या एक जगह पे लगा दो, अलग अलग कलर के फूल दे रहे हो। इसकी तुलना में एक ही सिंगल कलर के फूल ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, ठीक है, अच्छे होते हैं, बेटर होते हैं। उसके बाद ए बेड ऑफ रोजेस कंटेनिंग ओनली ए सिंगल कलर ऑफ से रेड येलो और पिंक हैज ए मच सॉफ्टर टोन एंड ब्यूटी देन बेड कंटेनिंग ए मिक्सचर ऑफ कलर्स। एक क्यारी के अंदर जो सिंगल कलर का जो गुलाब लगा हुआ है, जहाँ वो रेड है, भले ही वो येलो है, भले ही वो पिंक कलर का है, वो ज़्यादा कोमल रंगत देगा और अच्छी ब्यूटी आएगी जिसकी, इसकी बजाय कि बहुत से फूलों को एक साथ, बहुत से कलर के फूलों को एक साथ लगा दिया जाए। ए गुड गार्डन आर्किटेक्ट शुड हैव द नॉलेज ऑफ कलर व्हील एंड कलर स्कीम फॉर चार्मिंग कलर इन द गार्डन। एक जो अच्छा आर्किटेक्ट होगा गार्डन का, उसको कलर व्हील, ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ क्या होता है, कलर व्हील और कलर स्कीम इसका पूरा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, वैसे तो ये अपने सिलेबस में नहीं है इतना ज़्यादा डीपली, पर मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। तो याद रखना, ये इधर वाला जो आपको पहली पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें कलर व्हील, इसे को कलर व्हील कहते हैं, ठीक है। इसमें कलर अरेंज किए हुए हैं एक व्हील के रूप में, एक पहिए के रूप में। इसमें याद रखना तीन प्राइमरी कलर, सॉरी तीन कह लो कि नेचुरल कलर होते हैं, पहला ब्लैक, वाइट और ग्रे, ठीक है, नेचुरल कलर। और इसके बाद जहाँ पे ये ट्रेंगुलर बन रहा है, जहाँ बीच वाले जो तीन कलर दिखाई दे रहे हैं, रेड, ब्लू और येलो, ये प्राइमरी कलर होते हैं, ठीक है, तीन प्राइमरी कलर, रेड, येलो और ब्लू, ठीक है। उसके बाद जो कलर बनते हैं ऑरेंज, पर्पल और ग्रीन, इनके मिक्सचर से बनते हैं, वो सेकेंडरी कलर कहलाते हैं। ऑरेंज, पर्पल और ग्रीन ये सेकेंडरी कलर हैं, प्राइमरी रेड, येलो, ब्लू, सेकेंडरी पर्पल, ग्रीन, ऑरेंज। और उसके बाद जो कलर बनते हैं वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जहाँ इन्हीं की शेडो होती है, ठीक है, ये कलर व्हील है। तो इसका ज़्यादातर कहाँ यूज होता है ये भी मैं बताता हूँ। अब चलते हैं अपने कलर स्कीम के ऊपर पहले, ठीक है। कलर स्कीम के अंदर क्या होता है, ज़्यादातर जो कलर स्कीम गार्डन के अंदर फॉलो की जाती है, ठीक है, वो मोनोक्रोमेटिक हो सकती है, एनालोगस हो सकती है और कंप्लीमेंट्री हो सकती है। जनरली तीन ही होती हैं, वैसे और भी बना देते हैं, ट्राईडॉक और कई है कुछ हैं, पर अपने याद रखना तीन ही होती हैं, मेन तीन यूज की जाती हैं। तो पहली है मोनोक्रोम। मोनोक्रोम में क्या होता है, एक सिंगल कलर की वैरायटी को ज़्यादातर पार्क के अंदर यूज़ किया जाता है, मतलब अगर रेड यूज़ कर रहे हैं तो पूरे के पूरे गार्डन के अंदर मास इफेक्ट के लिए रेड कलर ही यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इसको मोनोक्रोमेटिक
जिसमें रेड है तो रेड, या फिर पूरे के पूरी जगह पे येलो, या फिर पूरी की पूरी जगह पे ब्लू, या फिर पूरी की पूरी जगह पे ग्रीन कलर के कुछ पौधे या ऑब्जेक्ट आप ट्राई करोगे, ये कलर स्कीम मोनोक्रोमेटिक कहलाती है, मतलब सिंगल कलर का यूज। दूसरा होता है एनालोगस। एनालोगस में क्या किया जाता है, एक सिंगल कलर के साथ में जो उसकी शेडोज होती हैं, ठीक है, जैसे मान लो मैं ब्लू के साथ में यूज करूं पर्पल ब्लू, पर्पल पर रेड पर्पल, मतलब थोड़ा थोड़ा इसी की शेडो जो साथ में इससे थोड़ी थोड़ी अटैच है, मतलब इन्हीं से मिलके जो जिनके कलर बने हैं उनको यूज करूं, तो ये एनालॉग्स कहलाएगी, एनालॉग्स कलर स्कीम कहलाएगी। ठीक है, जैसे रेड, रेड के पास में ऑरेंज, ऑरेंज से नीचे रेड के नीचे वाला जो पिंक सा कलर है उसको भी मैं यूज कर लूँ, वो चीज एनालॉग्स। भले वो मैं येलो की तरफ चला जाऊं, तो जैसे येलो येलो ऑरेंज ऑरेंज ये कलर मैं तीनों, या ग्रीन येलो ये कलर लूं, तो ये कलर स्कीम एनालॉगस कहलाएगी। ये ज्यादा हारमोनियस लगती है, मतलब ज्यादा इनमें समझ में बैठता है, ऐसे नहीं लगता कि एकदम से आपने कंट्रास्ट कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपने को चाहते हैं कि भाई धीरे धीरे वो आपका जो गार्डन है वो धीरे धीरे ऐसे लगे कि अंदर मैंने घुसा तो व्हाइट फ्लावर से स्टार्ट हो, धीरे धीरे उसके अंदर लाइट सा कलर आता जाए, हल्का हल्का सा, उसके बाद जो बढ़ता जाए, ठीक है, वो डार्क होता जाए, वार्म होते जाए कलर। तो याद रखना, एक और चीज मैं बताता हूँ आपको इसमें, कि जो कलर होते हैं दो कलर होते हैं, एक तो वार्म कलर होते हैं, एक कूल होते हैं। तो अब मैं अपने इसको अगर डिवाइड करेंगे तो याद रखना, ग्रीन येलो से अगर मैं डिवाइड करता हुआ रेड पर्पल की तरफ ले जाऊं, एक बीच में से डिवाइड कर दूं, ऊपर कलर रह जाए आधे, ऊपर वाले जो रेड से रिलेटेड हो, येलो ऑरेंज ये सारे कलर रह जाए, ये वार्म कलर होते हैं, आंखों को थोड़ा चुभते हैं। और नीचे वाले जो ब्लू ग्रीन ये कलर हैं, ये सॉफ्टर कलर होते हैं, कूल कलर कह देते हैं, आंखों को चुभते नहीं है। ठीक है, इनको ऐसे भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। उसके अलावा कंप्लीमेंट्री क्या होता है, कंप्लीमेंट्री, ठीक है, हाई कॉन्ट्रास्ट स्कीम डेवलप्ड बाय पेयरिंग द चूजन कलर विद दैट डायरेक्ट अपोजिट ऑफ द कलर व्हील। मतलब जैसे अब कंप्लीमेंट्री के अंदर अगर मैं रेड कलर यूज कर रहा हूं, उसके साथ में मैं ग्रीन कलर यूज करूं, देखो बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट, आप कलर व्हील के अंदर देखो, या येलो के अपोजिट में बिल्कुल पर्पल यूज करूं, ब्लू के अपोजिट में बिल्कुल ऑरेंज यूज करूं, ये कंप्लीमेंट्री कलर स्कीम है। मतलब जहां पे मैं गार्डन लगा रहा हूँ उसमें ब्लू पौधों के साथ में जहां ब्लू फ्लोवर आ रहे हैं उसके साथ मैं ऑरेंज फ्लोवर वाले पौधे लगा दूं, इस स्कीम को मैं कंप्लीमेंट्री स्कीम कहूंगा। एनालोगस इसी की शेडो, जैसे पर ब्लू है तो ब्लू जैसे ही कलर जो मिलते जुलते से कलर है उनको यूज करूं, मोनोक्रोम सिंगल कलर को यूज करूं, ये कलर स्कीम कहलाती है। ठीक है, फिर है मोबिलिटी। मोबिलिटी कह लो परिवर्तनशीलता, गतिशीलता, या कुछ भी यूज कर सकते हो इसके लिए टर्म। इन ए टेम्परेट जोन द गार्डन चेंज कलर वेरी शार्पली एंड कॉन्ट्रास्टली फ्रॉम वन सीजन टू द अदर, दस सिंबोलाइजिंग मोबिलिटी और मूवमेंट। ज्यादातर जो टेम्परेट जोन होते हैं, शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं, वहां पे जो गार्डन होता है बहुत ही जल्दी जल्दी अपने कलर चेंज करता है। ठीक है, एक सीजन से दूसरे सीजन के अंदर वहां पे बहुत ज्यादा, इसी को अपने कह सकते हो कि ये मोबिलिटी है, परिवर्तन है और हलचल है, मूवमेंट है। ठीक है, गार्डन की एक एग्जाम्पल, मैनी ट्रीज इन द टेम्परेट जोन अटायर देमसेल्व्स विद वंडरफुल हग्स ड्यू टू द चेंज इन देयर लीफ कलर इन द एटमन। मतलब बहुत से ऐसे टेम्परेट जोन के अंदर बहुत से ऐसे पेड़ हैं, जैसे एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, चिनार है, ठीक है, नाम सुना हुआ होगा, चलो नहीं सुना तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मोहब्बते फिल्म के अंदर आपने एक पत्ता सा उड़ता हुआ आगे से गाने के अंदर आता है, या आपने उसमें जो भी पत्ते या पेड़ देखे हैं वो चिनार के पेड़ थे। वो पौधा जो है ज्यादातर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जैसे नैनीताल है, कश्मीर है, वहां पे ये पाया जाता है चिनार। ठीक है, और इसके पत्ते का कलर ग्रीन होता है शुरुआत में, बाद में ये उस कलर का जैसा वो मोहब्बते में दिखाई दे रहा था, ऑरेंज येलो येलोइश ब्राउनिश सा कलर का, वो वैसा दिखाई देता है, पूरा का पूरा जो पेड़ के ऊपर जो पत्ते होते हैं वैसे कलर के हो जाते हैं, बिल्कुल भी ग्रीन नहीं रहते, पौधा पूरा चेंज हो जाता है एक सीजन के अंदर। ठीक है, तो मतलब जो वहां के गार्डन होते हैं वो एकदम से पहले ग्रीन है जैसे कि एक सीजन के अंदर, तो दूसरे ग्रीन अंदर ऑरेंज कलर के हो जाते हैं। मतलब ऐसा थोड़ा परिवर्तनशीलता होनी चाहिए गार्डन के अंदर, मोबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, इन मोस्ट पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल इंडिया थो दिस
कॉन्ट्रास्टिंग चेंज कैन नॉट बी अचीव्ड, इट इज़ पॉसिबल टू ब्रिंग इन सम स्टबल चेंजेस। मतलब जो ट्रॉपिकल इंडिया है, जो उपोषण जो दक्षिणी भारत है, वहाँ पे ऐसा चेंज कर पाना थोड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं होता। पर हाँ, कुछ थोड़ी सूक्ष्म मात्रा में अपने चेंज कर सकते हैं उस वहाँ के जो गार्डन है, वहाँ के पार्क के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, टू क्रिएट सम सिंबल ऑफ मूवमेंट ट्रीज सच एज बंगाल और इंडियन आलमंड, जिसको टर्मिनेलिया कटप्पा बोलते हैं, विच चेंज इट्स लीफ कलर इन टू स्ट्रिकिंग रेड ट्वाइस एनुअली बिफोर फॉलिंग। मतलब टर्मिनेलिया कटप्पा है जो, वो वहाँ पे अगर इसको यूज किया जाता है गार्डन के अंदर, तो ये साल में दो बार रेड कलर के इसके पत्ते चेंज होते हैं। साल में दो बार गिरने से पहले दो बार चेंज करती हैं कलर, फिर उसके बाद फाल होते हैं। तो ऐसे पौधे यूज किए जा सकते हैं। या फिर लेजोस्ट्रोमिया जो स्पीसीज है, विच आल्सो चेंज द कलर ऑफ द लीफ टू कॉपरी शेड इन द एटमन बिफोर शेडिंग। पतझड़ से पहले जो लेजोस्ट्रोमिया, इसके पत्तों में कई भी कॉपरी कलर की, तांबे के कलर के हो जाते हैं, शेड जैसे हो जाते हैं गिरने से पहले। इसके अलावा मधुका इंडिका है, फाइकस रिलीजोसा, मधुका इंडिका महुआ होता है, फाइकस रिलीजोसा होता है पीपल, इनकी भी जो नई पत्तियां होती हैं कॉपरी रेड कलर की होती हैं स्प्रिंग के अंदर। जैसे ही वो नई पत्तियां निकालता है, कॉपरी रेड कलर की निकालते हैं। शुड बी प्लांटेड इन सम पार्ट ऑफ द गार्डन, इनको गार्डन के किसी भाग में लगाना चाहिए, जिससे कि मतलब थोड़ी वेरिएशन आता रहे। वो हमेशा ऐसा नहीं दिखना चाहिए, वो पौधा हमेशा ही ग्रीन 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 ही है, तो उसके पत्तों का कलर भी थोड़ा चेंज होगा, तो आपके पार्क की जो गार्डन है उसकी थोड़ी लुक चेंज होगी। दिस इन एडिशन इम्प्रूव द लैंडस्केप, इससे क्या होगा कि आपका गार्डन जो लैंडस्केप है वो इम्प्रूव होगा। द मोबिलिटी कैन ऑल्सो बी अचीव्ड बाय राइजिंग फ्लोवरिंग एनुअल्स ऑफ डिफरेंट कलर इन फॉर्म ऑफ फ्लोवर बैड्स। चेंजिंग द पोजिशन ऑफ पोटेड प्लांट मे ऑल्सो ब्रिंग मोबिलिटी इन द गार्डन। मोबिलिटी दूसरे तरीके से भी आप अचीव कर सकते हो। एक तो कि जो एनुअल्स होते हैं उनका, एनुअल्स के लिए क्यारियाँ रखी जाती हैं, बनाई जाती हैं, ठीक है। एनुअल्स होते हैं वार्षिक फूल वाले पौधे, जैसे एग्जाम्पल दे देता हूँ, आप घर पे एस्टर लगाते हो, मैरीगोल्ड लगाते हो, कैलेंडुला लगाते हो, बहुत से ऐसे छोटे छोटे पौधे फूल वाले, पोपी, ऑर्नामेंटल पोपी लगाते हो, तो इनके अलग अलग कलर के फूल होते हैं। आप इनको कलर को, इनको भी चेंज करके आप अपने गार्डन के अंदर मोबिलिटी ला सकते हो। या फिर एक और तरीका है, जो भी आप पोटेड प्लांट हैं, गमले में आपने कुछ पौधे लगा रखे हैं, तो उनकी पोटेड गमलों को दूसरी जगह पे शिफ्ट करके, एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज कर दिया, तो भी आपके गार्डन में थोड़ी मोबिलिटी परिवर्तन आएगा, ठीक है। जैसे मैंने कुछ पिक्चर दिए, देखो चिनार के जो पहले पिक्चर है वो येलो कलर के पत्ते हो रखे हैं चिनार के, और फर्स्ट वाले में आपको ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे होंगे। ऐसे पत्ते होते हैं एक्चुअल में, और जैसे ही पत्ते झड़ने वाले होते हैं उससे थोड़े से पहले वो पीले रंग के हो जाते हैं, पूरा आपका जो गार्डन है वो पीले रंग का दिखाई देगा। इसके अलावा टर्मिनेलिया कटप्पा का पेड़ भी देख लो, इसके बाद लाजोस्टोमिया स्पीसीज है जो उसके पेड़ के पौधे, इसके अलावा मधुका इंडिका जिसको महुआ कहते हैं, ठीक है, तो उसके पेड़ देख लो। नेक्स्ट है स्टाइल। लास्टली वन हैज़ टू डिसाइड अबाउट द स्टाइल टू बी अडोप्टेड फॉर ए पर्टिकुलर गार्डन। जो लास्ट डिसीजन होता है कि आपको कौन सी शैली को अडोप्ट करना है उस पर्टिकुलर गार्डन के लिए। एवरी गार्डन डिजाइनर हैज़ टू इन्वेंट हिज ओवन स्टाइल ऑफ गार्डनिंग कमेंशुरेट विद हिज बजट टेस्ट एंड द नेचर ऑफ द साइट इजी ऑफ मेंटेनेंस। मतलब हमेशा जो एक गार्डन डिजाइनर है वो अपना खुद का डिज़ाइन इन्वेंट करता है, डिज़ाइन बनाता है जो कि उसके बजट के अंदर हो, ठीक है, उसको ज़्यादा महंगा ना पड़े, उसका जो रुचि है जिसके अंदर, जो उसका टेस्ट है, जैसा उसका चाहता है कि मेरा ऐसा टेस्ट है, मैं ऐसे पौधे लगाऊं, तो उसके हिसाब से, और नेचर ऑफ द साइट, जो साइट है आपकी, जगह है उसका, जो प्रकृति है उसके हिसाब से, और आप उसको ईजिली मेंटेन कर सको, इस तरीके से वो डिज़ाइन या शैली को अडॉप्ट करता है। वन कैन डेवलप हिज ओवन डिज़ाइन ओनली व्हेन ही स्टडीड केयरफुली ऑल द गार्डन स्टाइल ऑफ द वर्ल्ड एंड ग्रास्प द अंडरलेइंग प्रिंसिपल्स इन देम। इस चीज़ को डिज़ाइनर को अडॉप्ट करने के लिए, या कह लो कि शैली को बनाने के लिए, पहले उसको बहुत सी जो शैलियाँ हैं विश्व के अंदर उनका अध्ययन करना पड़ेगा, और उसके बाद उनमें से जो भी उनके प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, उनको ग्रहण करना पड़ेगा, फिर वो इस चीज़ को, स्टाइल को वो फॉलो कर पाएगा।
थैंक यू।